नगर निकाय चुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शहर के श्रीकृष्ण पाठशाला इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम का उड़न खटोला निर्धारित समय से लगभग एक घंटे देर से हेलीपैड पर उतरा। मंच से संबोधन शुरू करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही, जिसके चलते देश व प्रदेश का विकास दोगुनी रफ्तार से हो रहा। वहीं अब इस डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की रफ्तार तीन गुनी से पांच गुनी तक हो जाएगी। उन्होंने जनपद की धरती को नमन करते हुए कहा, हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने ओज व तेज के लिए जाना जाता था। देश की आजादी में भी इस जिले का अहम योगदान रहा। आजादी के बाद जिन भी लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन लोगों ने इस जिले व यहाँ के लोगों का सिर्फ दोहन किया, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा, एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ के लोगों के माथे पर पहचान का संकट खड़ा हो गया। हमारी सरकार ने पहचान के संकट को मिटाने का काम किया। आजमगढ़ से लखनऊ पहुँचने में अधिकतम तीन घंटे लगते। इसके पीछे कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण। जिले में हमने विश्वविद्यालय दिया, जल्द ही इसके प्रशासनिक भवन का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। एक कलाकार यहाँ से सांसद है, यहाँ का गाँव हरिहरपुर कलाकारों का गाँव। ऐसे में सांसद की मांग पर हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं दुनिया में संकट मोचक के रूप में काम कर रहे हैं। सूडान में फंसे लोगों को अपनी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को बाहर निकाल लिया। 9 वर्ष में करोड़ों लोगों को रोजगार, शौचालय मिला, सड़कों का जाल बिछाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अब आजमगढ़ आएंगे तो पहचान नहीं सकेंगे। डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड से काम किया, तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की स्पीड 3 से 5 गुना तेज हो जाएगी। सुनील देव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहाँ प्रारंभ हो चुका है और सिर्फ उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और ये पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे, और हरिहरपुर में फिर से यहाँ की पहचान को बनाए रखने के लिए सेफ सिटी बनाने, स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में लोग कार्य करेंगे। आप सभी सहमत हैं?